डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अपनी हेल्थ के बारे में सूचनाएं देते रहा कीजिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपने वीडियो से। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो वीडियो रिलेट करता है आपका डिक्टेशन से। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिक्टेशन शॉर्ट हैंड में एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपकी इसको डिक्टेशन भी प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन मैं शॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आ रहा है मास्को। तो चूंकि ये एक जगह का नाम है तो जगह का नाम होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, माँ की व्यंजन रेखा सा और क और इसके नीचे दो लाइन्स लगा के इसको इंडिकेट करेंगे। तो मास्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये भी चूंकि एक नाम है तो नीचे लाइन देना जरूरी है, और चीनी, तो चीनी ये बन गया और यहां पर दो लाइन दे दी ताकि याद रहे कि ये लाइन हमने क्यों दिए हैं। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग, तो हमने यहां पर लिखा वेई फेंग, नीचे दो लाइन लगाई हैं कि मुलाकात, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको म ल क और त इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट के बाद जब दोनों, ये डैश लगा के ओ की साउंड होता है, देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने की योजना, तो य ज न समान सामने का शब्द चिन्ह है हमारा, तो सामने आई तब ऐसा लगा था कि बीजिंग शायद जमीनी, तो जा को किया शॉर्ट म और नी, जमीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहता है। ये पूरा एक साथ लिखा है, तस्लीम करना चाहता है, ठीक है, और अब उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता, तो रास्ते का भी हमारा शब्द चिन्ह है, इसके चाप के साथ रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा रास्ता खुलने, तो ख में ला का हुक और ना, चूंकि ए की मात्रा है तो यहाँ पर साउंड दे देंगे, से स्थितियां बेहतरी की ओर बढ़ेंगी, पूर्ण विराम, हालांकि तब भी त्वरित समाधान की उम्मीद में मां की व्यंजन रेखा ऑन द लाइन बनाएंगे, द के लिए इसको नीचे से कर देंगे, किसी ने नहीं बांधी थी, पूर्ण विराम, लेकिन विदेश मंत्रियों, ये एक साथ ही लिख दिया है मैंने, कि बैठक से ठीक पहले उसकी फौज
ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरह का माइंड है से एक बार फिर, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ का की व्यंजन रेखा में बा और रा लगा है, यहाँ पर फा में छोटा सा डैश लगा के बनाया है। उकसाने तो एक बार फिर, उकसाने के लिए का सोना, उकसाने वाली कार्रवाई की है कॉमा उससे तो यह है। साफ हो गया है कि वीजिंग की दिलचस्पी विवाद सुलझाने में नहीं कॉमा बल्कि भारत को उलझाए रखने में है पूर्ण विराम, इसलिए उसने प्रोपेगेंडा का सहारा, ये सा और हा ऐड हो गया, सहारा लेते हुए इस बार दोनों कंबाइन कर दिए भारत पर ही वार्निंग शॉट्स। तो यहाँ पे व की व्यंजन रेखा को बनाते हुए फिर इन शब्दों को बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, वार्निंग शॉट्स, वार्निंग शॉट्स दागने का आरोप लगाया है पूर्ण विराम, लेकिन उसकी पैतरेबाजी को अब दुनिया समझ चुकी है कॉमा और उसकी विश्वसनीयता का संकट तो अब इतना गहरा चुका है कि कम से कम, वाक्यांश है ये, भारत से जुड़े मामलों में, अब ये पूरा कंबाइन करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो लिखा है मैंने, ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये शब्द कैसे बना है, किस तरह से बना है, बट जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस में ले लेंगे ना तो आपका हैंड मूवमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, आपको उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो परिषद में भी वह शब्द है अलग थलग, तो हम लिखेंगे यहां पर अलग और थलग, तो थ लग पढ़ने लगा है ताजा घटनाक्रमों के बारे में भारतीय सेना, या ऐसे लिखे या भारतीय सेना ऐसे भी लिख सकते हैं, ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सैनिक फॉरवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर में रा का हुक, ठीक है, वर्ड पोजीशन पोजीशन
न, ये शा और ना का पूरा बनाएंगे हम। जा में शा, पोजीशन के करीब, करीब किनारे का शब्द चिन्ह है हमारा, आने की कोशिश कर रहे थे, और जब दिलेर ये ऐसे भी बना सकते हैं, दिलेर भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी, तो उन्होंने डराने के लिए हवा में गोलियां दागी, पूर्ण विराम, भारतीय सेना तो शुरू से ही LAC ऐसे ही लिखेंगे, पर शांति और विश्वास बहाली के प्रति प्रतिबद्ध रही है। प्रति का शब्द चिन्ह है और उसी में प्रतिबद्ध जब लिखा तो बाकी व्यंजन रेखा से उसको कट कर दिया। अगर कट आपसे प्रॉपर नहीं हो रहा, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको नियर अबाउट भी लिख सकते हैं, इस तरह से प्रतिबद्ध रही है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से वह कोई समझौता नहीं करेगी, पूर्ण विराम। इसके बाद है आपका पीपल लिबरेशन आर्मी, तो हमने लिखा पीपल लिबरेशन आर्मी, गलवान घाटी की 15 जून, साथ में लिखेंगे की घटना के बाद से अब तक उद्वत रवैया अपनाए हुए है, लेकिन बीजिंग को यह समझना होगा कि इस तनावपूर्ण, बा का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, स्थिति की कीमत उसे भी चुकानी होगी। जैसे यहां पर होगा बनाया था, यहां पर होगी बनाया है, डिफरेंस ये है कि ई की साउंड के साथ इसको डिफाइन किया है, जो कि जरूरी है, पूर्ण विराम। कुछ कदम तो भारत, सॉरी भारत सरकार, यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ है, तो भारत ही मैंने यहाँ बना दिया, बट मैं कंबाइंड यहाँ पर आपको भारत सरकार बता रही हूँ, भारत सरकार उठा भी चुकी है और कुछ अन्य सख्त कदमों के लिए उस पर जन दबाव वा बनाएंगे बढ़ता जा रहा है, पूर्ण विराम। विदेश मंत्री एस, ठीक है, ये एस इसी तरह से बनाएंगे और जयशंकर यहां से डिफाइन कर देंगे, एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि सरहदी
मुल्कों के रिश्ते सीमा से निरपेक्ष नहीं होते, पूर्ण विराम, इसलिए अब तय बीजिंग को करना है। कई दशकों से भारत समग्र समग्र को सा मा गा मेरा को यूज करेंगे तो समग्र सीमा लाइन के नीचे विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता रहता है, लेकिन भया दोहन की अपनी पारंपरिक कूटनीति के तहत बीजिंग इसे हल नहीं करना चाहता। सारे वर्ड कंबाइन कर देंगे, पूर्ण विराम। पूर्वी लद्दाख की कुचेष्टाएं, तो देखिए कुचेष्टाएं, उसकी मनसा बता रही हैं। वह जानता है कि एक बार सीमा निर्धारण हो गया, इसी को काट के लिख देंगे, हो गया तो भारत अब इतना समर्थ हो चुका है कि उसकी सरहदों पर वह कोई मनमानी नहीं कर पाएगा, पूर्ण विराम। इस तरह से पूरी डिक्टेशन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई है। जल्दी ही आपके लिए इसकी शॉर्ट एंड स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट, आफ्टर बैक काउंटिंग डिक्टेशन को शुरू करूंगी, तब तक आप प्रिपेयर हो जाइए। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। मास्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात के बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने की योजना सामने आई, तब ऐसा लगा था कि बीजिंग शायद जमीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहता है और अब उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता खुलने से स्थितियां बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। हालांकि तब भी त्वरित समाधान की उम्मीद किसी ने नहीं बांधी थी, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले उसकी फौज ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है, उससे तो यह साफ हो गया है कि बीजिंग की दिलचस्पी विवाद सुलझाने में नहीं बल्कि भारत को उलझाए रखने में है। इसलिए उसने प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हुए इस बार भारत पर ही वार्निंग शॉट्स दागने का आरोप लगाया है, लेकिन उसकी पैतरेबाजी को अब दुनिया समझ चुकी है और उसकी विश्वसनीयता का संकट तो अब इतना गहरा हो चुका है कि कम से कम भारत से जुड़े मामलों में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वह अलग थलग पड़ने लगा है। ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सैनिक फॉरवर्ड पोजीशन के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और जब दिलेर भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी तो उन्होंने डराने के लिए हवा में गोलियां दागी। भारतीय सेना तो शुरू से ही LAC पर शांति और विश्वास बहाली के प्रति प्रतिबद्ध रही है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से वह कोई समझौता नहीं करेगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी की 15 जून की घटना के बाद से अब तक उद्धत रवैया अपनाए हुए है, लेकिन बीजिंग को यह समझना होगा कि इस तनावपूर्ण स्थिति की कीमत उसे भी चुकानी होगी। कुछ कदम तो भारत सरकार उठा भी चुकी है और कुछ अन्य कदम सख्त कदमों के लिए उस पर जन दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि सरहदी मुल्कों के रिश्ते सीमा से निरपेक्ष नहीं होते, इसलिए अब तय बीजिंग को करना है कई दशकों से भारत समग्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता रहता है, लेकिन भयादोहन की अपनी पारंपरिक कूटनीति के तहत बीजिंग इसे हल नहीं करना चाहता। पूर्वी लद्दाख की कुचेष्टाएं उसकी मंशा बता रही हैं। वह जानता है कि एक बार सीमा निर्धारण हो गया तो भारत अब इतना समर्थ हो चुका है कि उसकी सरहदों पर वह कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? स्पीड फास्ट होती है बिकॉज हमें थोड़ा जल्दी 90 के लेवल को कवर करना होता है, तो होप ये स्पीड आपकी डिक्टेशन के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर स्पीड आपकी डिक्टेशन के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।